राखी को आदिल ने बहुत मतलब मारा है, और कहीं ना कहीं आदिल का ये भी आरोप है कि राखी ने भी आदिल को मारा है। अभी आदिल को ले जा रहा है और कोर्ट में ले जा रहे हैं चेकअप के लिए। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, आदिल को अगर राखी ने मारा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिलेंगे। एक लड़की के मारने में और अपने आप को मारने में पता चल जाता है, और एक पति को एक औरत क्यों मारेगी जिसके लिए वो 7 महीने से चुप बैठी, उसकी मार खाती रही, उसकी टॉर्चर सहती रही, उसकी झूठ को बर्दाश्त किया, पैसे उसने लुटा दिए, उसकी ये भी पता चला कि शादीशुदा है वो, और राखी ने 4 लड़कियों को उससे छुड़वाया, एक औरत ने सब जान के उसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव हुए हैं, इतना टॉर्चर किया है, तो वो क्या मारेगी? राखी तो चीटी भी नहीं मार सकती, वो दिखती ऐसी है क्योंकि वो एक्ट्रेस है, वो स्ट्रांग है, वो हर औरत की एक छवि है, वो हर लड़की को आश्वासन देती है कि ज़िंदगी में खुद जियो, खुद अपने आप पे मेहनत करके जियो, किसी के बलबूते पे मत रहो। आदिल तो राखी के पैसे भी जिंदा था, राखी के पर उड़ रहा था, एक्टर तो राखी पे बनना चाह रहा था, पब्लिसिटी राखी के नाम से लेना चाह रहा था, उसको बिग बॉस में जाना था, उसको हीरो बनना था, एल्बम में भी राखी के पैसे लगवाए, दुबई में भी राखी के पैसे, अपने पैसे कहाँ हैं उसके? तो जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो मार खाएगा या मारेगा, ये भी तो आप समझ लीजिए ना। आदिल ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा है, लेकिन जिस दिन से माँ गई है उसी दिन माँ के आशीर्वाद से, माँ के प्यार से, माँ की छाया जो उसके सर पर है, उसने राखी को ताकत दी है, राखी को आश्वासन दिया है, आदिल के बारे में सब कुछ सच्चाई बताई उसकी, उसके सारे वीडियोज़ वायरल जो हुए हैं लड़की के साथ, उसके फ़ोटोज़ और सब देखे, उसकी न्यूडिटी उसके साथ देखी, किसिंग के सीन्स देखे। एक हस्बैंड अगर बाहर ऐसा करता है तो सोचो कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया है, कितने फ़ोन्स आए लड़कियों के राखी को, जब राखी ने कंप्लेन की है कि अगर तू कर सकते तो हम भी आएंगे तेरे साथ। 5-6 लड़कियां हैं जिनको जिनको आदिल ने बर्बाद किया है, मैसूर में, बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, और फिर भी वो शादीशुदा निकला। वो सिर्फ लव जिहाद का ये जो सिस्टम करना चाह रहा था, वो सबके सामने लेके जाना चाह रहा था कि राखी जैसी लड़की अगर मेरे साथ आ गई तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर राखी हो सकते तो हम भी क्यों नहीं। और इन फंसने से आज माँ ने उसे बचा दिया, आज माँ के आशीर्वाद से राखी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में गई है, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। अगर उसको मारा है, उसके पेट पे लात मारी है, राखी के पास सारे वीडियोस हैं, और वो मारते हुए शूट करता था वीडियो दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैं ऐसे रखता हूँ एक हीरोइन को, एक एक्ट्रेस को, लेकिन ये जो माँ की ताकत ने उसको हिम्मत दी और आज वो पुलिस स्टेशन गई है, पुलिस ने उसको आश्वासन दिए, उसकी सारी जितनी बातें थी, उसकी जितनी भी धाराएँ लगाई गई है, सब एक्सेप्ट की है। कोई भी पुलिस वाला इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन राखी सच्चे आंसू रोई है, सच्चा दर्द देखा है उसने, इसलिए उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके उस पर धाराएं लगाई गई है, वो अरेस्ट हुआ है। और अगर वो आदिल मेडिकल में जाता भी है तो मेडिकल में अभी बताएगा, मेडिकल में बताना चाहिए था जिस दिन मारा था राखी को, तुमने जिस दिन मारा उस दिन हमने मेडिकल कराया था, आज से 10 दिन पहले, तो मेडिकल जिसने कराया वो बता रहे हैं। अगर आज पुलिस लेके गई है वो, तो मैं भी अपने को आप उनको नोच के मैं बोलूँ कि मुझे आपने मारा है, आप मुझे लेके चलो, आप मुझे लेके चलो मेडिकल में, हाँ दिखेगा कि मैंने आपने मुझे मारा है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन वो आज क्यों बोल रहा है मेडिकल आज? क्योंकि उसको घमंड था अपने आप पे, उसको अपने आप पे इतना घमंड था कि राखी कुछ नहीं करेगी, जबकि कल अरेस्ट होने के पहले उसने इतने फ़ोन किए, मुझे फ़ोन किए, माफ़ी मांग रहा था, राखी के पैर पर गिर रहा था। राखी ने बोला बस मैंने 7 महीने से तुझे मौका दिया, तुझे वक्त दिया, तुझे टाइम दिया, तूने मुझे सिर्फ यूज़ किया, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। कहीं ना कहीं राखी का ये भी कहना है कि आदिल के ऊपर पहले से बहुत सारे क्रिमिनल केस चालू है, जैसे कि कार चोरी की, और भी बहुत कुछ। बहुत सारे केसेस निकलेंगे सर, अभी बहुत सारे केसेस निकलेंगे, क्योंकि हम राखी के सामने नहीं बोलते हैं। राखी जो करती है वो अपने मन की करती है, वो एक मैच्योर लड़की है, वो एक एक्ट्रेस है, मैं भाई हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे कि राखी जो करती है वो अपनी हिसाब से करती है। अगर उससे लगता है कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तो उसको खुली छूट है। टुडे आज हमारी जो हमारी हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसके हिसाब से अगर वो खुश थी तो हम भी खुश थे, लेकिन जब उसे पता चला कि एक एक करके उसके क्राइम्स आ रहे, वो छुपाती रही, हमें भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको इसके साथ रहना था। अगर राखी को उसको यूज़ ही करना था, उसके पैसे को यूज़ करना था, तो राखी बोलती क्यों 7 महीने की, क्यों रुकती? लेकिन जब उसे हकीकत में पता चला है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अभी तो धीरे धीरे, उसे तो मुझे भी मारने की धमकी दी थी जब मैंने लव जिहाद पे म्यूज़िक वीडियो बनाया था,
तो मैंने बोला था कि राखी तेरे इंस्टा पे पोस्ट कर दे क्योंकि मैंने वीडियो बनाया। तो उसने राखी को बोला कि अगर तूने ये पोस्ट किया तो मैं तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसने बहुत लोगों को मरवाया, जिसे कोई झगड़ा हुआ था तो उसे ट्रक से उड़ा दिया था उसने, वो सारे किसी सामने आएंगे। तो उसका जो दिमाग है वो एक क्रिमिनल दिमाग है जो उनको सिखाया जाता है उनके मजहब में, उसको वही सिखाया गया है और वही करता आ रहा है वो और वही करता रहेगा ये। तो आज जो वो उसे सज़ा मिलनी है वो कोर्ट में पेश होगी और जज और मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर उसे सज़ा देगी। राखी कहीं ना कहीं आदिल को साइको भी बताया कि बोल, राखी का कहना है कि आदिल गाड़ी में बैठता था, उनको नोचता था और काफ़ी एक ऑटो ड्राइवर के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दिया था। बहुत मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैं शर्म के मारे मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि बहन है। तो मैंने जब अपनी आंखों से देखा है तो वो क्या और करता होगा। उसने मेरे सामने ड्राइवर को लाफा मारा, उस पर गाड़ी चढ़ा दी। जब माँ जिस दिन मरी है उस दिन राखी ने उसको 10 बार बोला कि भाई हमारे में जूता नहीं पहनते हैं। बोला भाई तुम लोगों का नहीं हूँ, मेरी माँ को उसने जो उठाया तो जूता पहन के उठाया था। ये शर्म की बात है कि अगर आप किसी की लाश उठाते हो तो आप पवित्र मतलब घर के अंदर लाए हो अपने, तो आप जूता पहन के लाओगे क्या? आपके इस्लाम में भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी माँ की लाश उठाते हो या बाप की लाश उठाते हो तो आप जूता पहनते हो? शर्म की बात है। और राखी उसको बोलती रही, उसने उसको हटा दिया, इतनी ज़ोर से मारा तो राखी चुपचाप साइड में हो गई। तो इतनी टॉर्चर वो झेल रही है, इतनी टॉर्चर से वो पीड़ित हो रही थी। तो मैं और क्या करती, पुलिस मीडिया और पब्लिक के हाथ जोड़ के यही कहती ना कि मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार देगा। तो आज वो पुलिस के पास गई है, इंसाफ के पास गई है, लॉ के पास गई है और उसे सपोर्ट करो। और उसकी सपोर्ट से ही अगर वो जीत गई तो इस देश की हर बेटी जीत जाएगी। चुप रहती तो उसको मार डालता है और कुछ नहीं। भी कहना है कि आदिल ने पहले से भी शादीशुदा था और कहीं ना कहीं उसके बाद भी वो कई अफेयर चलाए। वो शादीशुदा भी था और उसके, मैंने बताया ना आपको कि राखी को इतनी लड़कियों के फ़ोन आए हैं, मुझे इतने लोगों के फ़ोन आए हैं कि आपने बहुत अच्छा किया इस लड़के के बारे में अगर कंप्लेन कर दी। हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो हमें वो मारने की धमकी देता था। उसने राखी को भी धमकी दी थी मारने की। उसको तो ये प्लान था कि एक वीडियो कॉल मिली है जिसमें बोला कि इस साल के एंड तक इसको तमाम करके फिर हम आराम से रहेंगे। तो वो किसको बोला था, उसकी वाइफ को या उसकी गर्लफ्रेंड को? ये क्या बातें थी, ये क्या प्लान था? और हम तो डर रहे थे, हम तो बार बार राखी को फ़ोन करते थे। जब से राखी का ये पता है तो हम राखी का अगर फ़ोन भी बंद आता है तो हम मैसेज छोड़ते हैं कि हम खुद डर रहे थे कि ये 12 दिन में ऐसा कुछ हरकत ना कर ले कि फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो मीडिया तो यही बोलती कि राखी सुसाइड कर ली, जैसे सुशांत का हो गया। क्या हुआ, सब कुछ बंद, कोई कुछ नहीं पूछ रहा सुशांत का? वैसे ही राखी का होता, जिया खान का क्या हुआ, किसी ने पूछा? सब कुछ बंद हो गया, वैसे ही राखी का होता। कुछ दिन में बस न्यूज़ चलती, उसके बाद आदिल गुल, सब कुछ उसका। वही तो प्लान था जो माँ ने पीछे रहकर राखी को हिम्मत दी, माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ कहते ना कि बच्चों के साथ ही रहती है, उनको साया बन के रहती है। साया बन के आज इसको इतनी हिम्मत दी कि वो पुलिस स्टेशन जाकर आज जो केस किया है, अब आदिल कभी ज़िंदगी में किसी और लड़की को बर्बाद नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर।